नाइन्थ स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज है 2.1 सेकेंड सम थर्ड सम एंड फोर्थ सम करेक्ट। नाउ गिवन में दिया है, गिवन के अंदर है दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, लाइन बी और क्यू दोनों पैरेलल है, लाइन एल और एम ट्रांसवर्सल है, दे आर नॉट पैरेलल करेक्ट। नाउ इधर बोला है हम लोग को फाइंड एंगल ए बी सी डी फाइंड करने बोला है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वन सी। अभी इधर हम लोग फाइंड सॉल्यूशन से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, ए ए फाइंड करने का है, तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, दिस बिकम्स व्हाट लीनियर पेयर, आजू बाजू में हो तो लीनियर पेयर, सो एंगल ए प्लस 100 इज इक्वल टू व्हाट 180, क्या आएगा एंगल्स आर इन व्हाट, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, therefore angle A is equal to 180 minus 100, angle A is equal to what 80 degree, angle A मिला हम लोग को what 80 right। see अभी हम लोग को find करने का B find करने का, so इधर अभी इधर see इधर alphabet नहीं है, एक alphabet दो put this Z, एक alphabet Z दिया हम लोग ने ना, see अब ना A और Z both are common, सीधे देखा line P parallel to what line Q, P and Q both are parallel, और line L, line L क्या है, L is a transversal, line L क्या है transversal है, अगर line L transversal है तो एक ये दोनों से ये दो line parallel है, ये transversal है, तो ये एंगल और एक एंगल, एक एंगल बाहर है और एक एंगल अंदर है, एक एंगल बाहर होगा एक एंगल अंदर होगा, दैट एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू जेड वाई दे आर व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, बट देयरफॉर एंगल ए कितना है 80, therefore angle Z is also what 80, because 80 की वैल्यू A की वैल्यू क्या है 80 है, और A और Z दोनों इक्वल है, अगर A और Z दोनों इक्वल है, A की वैल्यू अगर 80 है तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, Z also value we got what 80, तो ये मिला हम लोग 80 मिल गया। अब B फाइंड करने का है, सो एंगल Z इज इक्वल टू व्हाट B, वाई VOA, VOA का फुल फॉर्म है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, अभी तो Z कितना मिला हम लोग को 80 मिला, Z की वैल्यू कितनी है 80 वैल्यू है, Z की वैल्यू 80 है, देयरफॉर एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू मिला हम लोग को व्हाट 80, सो B मिला हम लोग को 80 ठीक। अब फाइंड करने का हम लोग को D फाइंड करने का है ना, सी अगर D फाइंड करने का है तो ये ले लो लीनियर पैरेलल करेक्ट, सो एंगल D प्लस 115 इज इक्वल टू व्हाट 180, व्हाई एंगल्स आर इन लीनियर पैर, एल पी का मतलब क्या है, एल पी मतलब शॉर्टकट में लीनियर पेयर है, देयरफॉर एंगल डी 180 माइनस 115, सो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया 65 करेक्ट, 65 तो एंगल डी कितना मिला हमें को, एंगल डी भी इक्वल टू 65 करेक्ट। सी सी ये दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है तो we cannot do B or D corresponding angles नहीं है, because though these two lines are not parallel, अगर parallel होगा, अगर given में दिया जाता कि L और M दोनों parallel है, तो B और D क्या हो गया corresponding angles, तो दोनों equal होता, लेकिन L और M is not parallel, तो ये दोनों corresponding angles नहीं है। See उसके angle C find करने का है, same, now ये दोनों में parallel है, again line P
इज पैरेलल टू व्हाट लाइन क्यू, ये दो लाइन पैरेलल है। अब एम ट्रांसवर्सल लेने का, लाइन एम इज ए व्हाट ट्रांसवर्सल, अभी ट्रांसवर्सल है ना, सी और ये दोनों एंगल, एक एंगल बाहर है और एक एंगल अंदर है, तो सी कितना हो गया 115, एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 115 बाय, क्योंकि कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल जेड, एंगल सी इज कॉल्ड व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल सी और 115 बोथ आर इक्वल बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल है, तो सी और 115 ये दोनों इक्वल है बिकॉज सी और 115 ये दोनों कौन से एंगल्स है, बोथ द एंगल्स आर व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके लिए एंगल सी की वैल्यू क्या रहेगी 115 रहेगी। तो हमने सब एंगल हमने फाइंड किया, फाइनली पे राइट आंसर जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या मिला, एंगल ए कितना मिला 80 मिला हमको 80, एंगल बी कितना मिला वी गॉट 80 फाइन, चलो एंगल ए 80 बी 80, एंगल सी कितना मिला हम लोगों को 115 और डी कितना मिला हम लोगों को 65 डिग्री, राइट। सो ए बी सी डी फाइन करने का था, हम लोगों ने इसको फाइन कर दिया है, राइट। सो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सम यहाँ पर कंप्लीट होता है, सी नाउ यहाँ पर थर्ड सम में दिया हम लोग को P और N ये दोनों पैरेलल है, L और N ये दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एनी हाउ, हम लोग किधर कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। सी अगर ये दोनों एन पैरेलल है, ये दोनों ट्रांसफर हो गया, ये L ट्रांसवर्सल है, L ट्रांसवर्सल किसके लिए N और P के लिए, अगर L और N पैरेलल है तो P ट्रांसवर्सल है और N ट्रांसफर है, ये दोनों लाइन के लिए ये दोनों लाइन ट्रांसफर है और ये दोनों लाइन के लिए ये दोनों ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे भी प्रॉब्लम को इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये सब सम इजी होगा। सी अब क्या लिखा, सी इधर सबसे बेस्ट क्या लिखा, इधर एक वैल्यू ले लो, ये वैल्यू इधर ले लो, जेड ले लो, चलो करेक्ट, ये जेड हम लोग ने स्टार्ट सी लाइन सी नाउ ये दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, एल और एम दोनों पैरेलल है, पी ट्रांसवर्सल है, करेक्ट, P is a what? P is a transversal. अगर P transversal है तो ये एंगल और ये एंगल Z. Therefore angle Z is equal to 45. Angle Z कितना हो गया 45. Why? See एक एंगल बाहर है, एक एंगल अंदर है. एक एंगल parallel के बाहर होगा और एक एंगल parallel के अंदर होगा. कौन सा एंगल हो गया ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया. कौन सा एंगल्स हो गया ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब अरे नाउ ये जेड मिल गया, ये मिला 45. अब सब एंगल मिल गया तुमको. अब ये दोनों फाइंड करो. सी नाउ एंगल ए, एंगल ए प्लस 45 इज इक्वल टू 180. वाई? ये दोनों एंगल 180 है. जब दोनों एंगल बाजू बाजू में होगा that angles called was supplementary angle, they form linear pair, so angles are in LP, LP का मतलब मैंने पहले बताया था, the LP means shortcut क्या है, linear pair का, A find करो, therefore angle A is equal to 180 minus 145, so angle A is equal to 135, एंगल ए की वैल्यू मिल गया 135, तो ए मिला हम लोग को 135 ना, ए और बी दोनों इक्वल है, वाई एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट एंगल बी, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट इक्वल, सी 30 60 80, ए और बी सी, तो एंगल ए क्या है 180 माइनस ए प्लस को लेके जाओ 45 हो गया, तो एंगल ए कितना हो गया 135, एक और 135 ना, एंगल ए और बी ये दोनों एंगल ऑपोजिट है, अगर अगर ऑपोजिट है तो ए और बी दोनों इक्वल हो गया, इक्वल मींस व्हाट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल,
therefore अगर A तो 135 है, therefore B is also what 135. B भी कितना रहेगा? B मिला आपको 135. We got B 135. अब C find करने का है. अब C find करने के लिए ये दोनों C, ये दोनों line again parallel है, correct? So क्या रहेगा? Line N parallel to line P. N और P दोनों parallel है. अगर N और P दोनों parallel है, अब N तुम्हारा क्या रहेगा? Line M is a what? Transversal. N क्या transversal है? अगर M transversal है, therefore angle C is equal to angle B. Why? They are what? कौन से angles है ये? Corresponding angles है. They are what? Corresponding. अगर एक angle, ये दोनों parallel lines है, ये दोनों line parallel है, ये transversal है, ये angle B तो बाहर है, और एक angle C इधर. ये B है और C है. एक angle बाहर है, एक angle अंदर है. When one angle is outside, one angle inside, that angle is called what your corresponding angle. लेकिन इधर B की value क्या है? इधर 135. अगर B की value 135 है, B और C दोनों equal है, therefore angle C is also what 135. ये दोनों क्या हमने लिखो? तो B भी 135, C भी 135. Now in this हमने दिया है PQ और XY both the lines are parallel. Right? So proof करने हमने को कौन सा angle है? PQR ये angle XYZ ये angle proof करना. These two angles are what congruent. ये दोनों angles हमने को proof करने का कि दोनों angles का ये congruent है. Right? See. हम लोग स्टार्ट कर सकते सॉल्यूशन. सी लेट लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट लाइन क्यू आर एट पॉइंट एन सच दैट. याद रहने का ये दिया नहीं है. दिस इज नॉट गिवन. ये तुम लोग खुद ही करना है. ये जो कंस्ट्रक्शन है तुम खुद ही करना है. ये सब याद रखने का है. ये जो एन मैंने ड्रॉ किया है ये प्रॉब्लम में दिया नहीं है, तो उसको मैंने एक्सटेंड किया है. तो सब याद रखने का है. तो एक्सटेंड दिस लाइन एट पॉइंट एन पर सच दैट एक्स डैश वाई डैश एन मतलब ये कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन में लाया होता है एंड क्यू डैश एम डैश आर. ये हम लोग हो गया कंस्ट्रक्शन. अब स्टार्ट करते हैं. समझ स्टार्ट करोगे सी ये दोनों सी लाइन लाइन एक्स वाई एक्स एक्स एम लो लाइन एक्स एम पैरेलल टू व्हाट लाइन पी क्यू लाइन एक्स एम पैरेलल टू पी क्यू. दोनों पैरेलल है. सो अगर दोनों ही लाइन पैरेलल है सो ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है. कौन सा एंगल से? और क्या है लाइन क्यू आर इज ए व्हाट ट्रांसवर्सल. क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल कौन सा एंगल हो गए? एंगल पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर. एक्स एम आर करेक्ट. ये कौन सा एंगल से? ये हम लोग का करस्पॉन्डिंग एंगल. लेकिन याद रखो हम लोग को पी क्यू आर चाहिए तो एम के बदली आर लिखो. पी क्यू एम के बदली आर लिखने का कहेगा. पी क्यू एम के बदली क्या लिखने का? आर लिखो. बिकॉज एंगल सेम है खाली लास्ट पॉइंट हमने चेंज किया. तो पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर यानी वाई एम आर भी लिख सकते हो लेकिन हमने क्या लिखा है? एक्स एम आर लिखा है. एक्स एम आर ये मिला हम लोग को वन. समझ से ना. तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब ना प्रूफ करने का है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये धां से. अब
इधर प्रूफ करो ये दोनों एंगल पैरेलल है, इसको और एक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। लाइन वाई आर वाई नॉट वाई आर वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर, पैरेलल टू लाइन क्यू आर, और क्या रहेगा एक्स वाई लाइन एक्स वाई इज ए वॉट ट्रांसवर्सल, एक्स वाई ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, सो एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर, एक्स एम आर यू कैन राइट वाई एम आर ऑल्सो, लेकिन हमने वाई में एक्स लिखा है। कौन सा एंगल्स है, ये भी कौन सा एंगल्स है, दिस एंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन सा एंगल्स है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये मिला हम लोग को टू, ये वन है और ये टू है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान से सुनो सी इधर हम लोग को बोला है सी ये इधर देखा एक्स एम आर, एक्स एम आर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये दीज टू एंगल्स आर वॉट इक्वल, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ये हम लोगों कहाँ से मिला, रीजन लिखने का है वन और टू से, तो वन में ये एंगल है टू में ये एंगल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू वी गॉट पी क्यू आर एक्स वाई जेड इज वॉट कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हम लोग का फोर्थ सम। अभी हम लोग करेंगे व्हाट सम नंबर फिफ्थ, वेरी इजी सम, ध्यान से सुनो। नाउ इधर हम लोग को सी लाइन ए बी लाइन सी डी पैरेलल है, अभी बोला फाइंड कर ले ए आर टी सी टी क्यू डी टी क्यू पी आर बी, ये एंगल्स हमको मालूम नहीं है, दैट मीन्स वी डोंट नो दिस एंगल, ये एंगल्स हम लोग कैसा फाइंड करेंगे, वेरी इजी सम सॉल्यूशन। सी पहले क्या दिया हम लोग को, ये दिया है 105 दिया है, पहले फाइंड करना ए आर टी, ए आर टी यानी ये एंगल फाइंड करने का, ये एंगल फाइंड करने का, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स है लीनियर पैर है, कौन सा एंगल्स है लीनियर पैर, सो एंगल ए आर टी प्लस 105 is equal to 180 by angles are in LP, LP का मैंने पहले बताया angles are in linear pair, तो therefore angle A R T is equal to 180 minus 105, angle A R T is equal to 75, so ART के हमने को 75 मिला, ये हमने प्रूफ कर दिया, फाइंड कर दिया। फाइंड करना CTQ, फाइंड CTQ फाइंड करने का, अभी ये एंगल फाइंड करने का हमको, अभी एंगल फाइंड करने का, तो ध्यान सुनो सी लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, ये दो लाइन पैरेलल है, और लाइन PQ ठीक है इज ए व्हाट ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक एंगल अंदर है एक एंगल बाहर है, एक एंगल अंदर होगा एक एंगल बाहर होगा पैरेलल लाइन से, तो कौन सा एंगल होगा ये करस्पोंडिंग एंगल, सो एंगल ए आर टी इज इक्वल टू एंगल सी टी क्यू, रीजन दिया व्हाट हम लोग ने, दिस एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ए आर टी कितना है 75, तो देयरफॉर एंगल सी टी क्यू कितना होगा 75 होगा, सी टी क्यू करेगा 75 होगा, तो ये हमने फाइंड किया। अभी फाइंड कर रहे हैं हम लोग व्हाट डी टी क्यू फाइंड करने का है, डी टी क्यू सेम वैसे है सी, अगेन ये दो लाइन पैरेलल है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर कौन सा एंगल है
डी टी क्यू, ये एंगल फाइंड करने का है। सो ये एंगल और ये एंगल वो भी सेम, ये एंगल क्या है पैरेलल के अंदर है, ये एंगल क्या है पैरेलल से बाहर है, देयरफॉर एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105। वाई 105 बिकॉज ये कौन सा एंगल है, ये एंगल तुम्हारा क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कैंस एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये मिल गया हमें को, ये मिला हमें को 105। अभी लास्ट में फाइंड करें पीआरबी, पीआरबी किधर है, पी पीआरबी फाइंड करने का, वेरी सिंपल, ये एंगल फाइंड करने का है, तो ये दोनों कौन सा एंगल्स हो गया, ये दोनों हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों ले लो सी, ये दोनों एंगल ले लो, ये 105 एंगल इधर पैर ऐसे माइनस कर सकते हो, फिर इजी देखा ये दोनों कौन सा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तुम लोग ये दोनों एंगल ये फाइंड करने के लिए वी कैन यूज व्हाट, हम यूज कर सकते हैं क्या लीनियर पैर, इन दोनों प्लस करके 180 से माइनस करो ये आ जाएगा, या तो सेकंड जो हमारा ऑप्शन है ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल कौन से एंगल्स है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, देयरफॉर एंगल ए आर पी is congruent to angle what PRB, why vertically opposite angle, अगर दोनों congruent है दोनों equal है तो ARP is equal to angle PRB is equal to ARD की value कितनी है 75, तो PRB कितना रहेगा 75, therefore angle PRB की जो value रहेगी इधर कितना will get what 75 रहेगी, तो हम लोग ने ये फाइंड कर दिया राइट। तो आज हम लोग ने चार सम 2.1 ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड, और कल हम लोग अपलोड करेंगे चार थ्योरम्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देन वी गोइंग टू स्टार्ट व्हाट 2.2 में स्टार्ट करेंगे राइट। और प्लीज सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज चेक, जस्ट ओपन द वीडियो, वॉच द वीडियो, और उसके बाद में प्लीज कंप्लीट योर नोट्स आफ्टर लॉकडाउन, आई एम गोइंग टू चेक फॉर ऑल द नोट्स करेक्ट, जो अपने क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मैं प्लीज से पूरा लॉकडाउन के बाद आई एम गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी सम व्हाट इन द नोटबुक, प्लीज व्यू ओपन द साइट और रेफर करो एंड डू द सम ऑन योर ओन, एंड प्लीज डू द होमवर्क एंड कीप द बुक्स फॉर रेडी राइट, बाय, सी यू।